अक्सर सेलिब्रिटी कई जगह एक साथ दिखते रहते हैं, जिससे उनकी चर्चा और तेज होने लगती है। अब ऐसी ही चर्चा हो रही है हाल ही में बिग बॉस जीते मुनव्वर फारूकी को लेकर। बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी लगातार सुर्खियों में हैं। एक के बाद एक लगातार वो पार्टी और इवेंट में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्हें देर रात पार्टी में जाते देखा गया। इस दौरान उनके साथ चहेते ओरी भी नजर आए, मगर ओरी और मुनव्वर के साथ साथ एक और स्टार किड भी दिखी, जिन्हें देखकर सब चौंक गए, और वो कोई और नहीं बल्कि सुष्मिता सेन की बेटी रेने थी। फैंस, ये तो आपको पता ही है कि बी टाउन में जब भी ऐसी खबर आती है तो कितनी जल्दी वायरल होती है। बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी लगातार सुर्खियों में हैं। एक के बाद एक लगातार वे पार्टी और इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल जिस गाड़ी से मुनव्वर फारूकी और रेने आए, उसकी पीछे वाली सीट में दोनों साथ में बैठे हुए थे। इसके बाद दोनों जैसे ही पार्टी में एक साथ पहुंचे तो पेपराजी ने उनकी साथ में फोटो क्लिक की और दोनों ने साथ में जमकर पोज भी दिए। दोनों को यूं साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। बता दें कि फैंस भी मुनव्वर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। वहीं मुनव्वर और रेने का ये वीडियो सामने आने के बाद फैंस हैरान रह गए कि उनके फैंस ज़रूर सोच में पड़ गए कि आखिर ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। फैंस जब से वीडियो सामने आया है, फैंस कमेंट करते नज़र आ रहे हैं। कोई लिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो कोई लिख रहा है कि सुष्मिता की बेटी चीटर मुनव्वर के साथ क्या कर रही है, तो वहीं एक अलग यूज़र ने लिखा कि ये क्या इसकी गर्लफ्रेंड है। वहीं कुछ फैंस का ध्यान मुनव्वर और ओरी की बॉन्डिंग ने खींचा। तो वहीं फैंस अगर सुष्मिता की बेटी रेने के बारे में बताएं, तो रेने अपनी एक्टिंग की शुरुआत साल 2021 में सट्टाबाजी नाम की शॉर्ट फिल्म से कर चुकी है। उन्होंने सुष्मिता की वेब सीरीज ताली में महामृत्युंजय मंत्र को भी अपनी आवाज़ दी थी। रेने ने बॉलीवुड में डेब्यू करने को लेकर कहा था कि मैं इंडस्ट्री में अपनी जगह खुद बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ की क्लोन नहीं हूँ, इसलिए मैं वो नहीं बनना चाहती। हम सभी अलग अलग व्यक्ति हैं और वह हमेशा हमें खुद बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।